केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो, माइनिंग कारोबारियों से 18 करोड़ रुपए लेने की बातचीत, भाजपा ने कहा ये साजिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के बीच रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का बताया जा रहा है। इसमें देवेंद्र लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट के इंतजाम की बात करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बिचौलिया उनसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग 4 से 5 बैंक खातों की डिटेल मांग रहा है, वक्त भी पूछ रहा है। भाजपा ने इस वीडियो ऑडियो को फर्जी करार देते हुए साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक व प्रवक्ता पीयूष बबेले का कहना है कि इसकी सत्यता की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करे। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर 2014 से 2019 के बीच केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री रह चुके हैं। वे मुरैना की दिमनी सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। क्या है वीडियो में? वायरल वीडियो में त्यागी सरनेम वाले आरबीआई से रिटायर्ड कमिश्नर के माध्यम से किसी पार्टी के 100 करोड़ देने को तैयार हो जाने की बात हो रही है। किसी हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म से संचालक से पैसे लेने की बात भी है। बिचौलिया देवेंद्र को कभी गुरुजी कभी भैया कहकर संबोधित कर रहा है। रोहित भैया नाम के किसी शख्स को पैसे भेजने की बात आती है। राजस्थान पंजाब की एक पार्टी से 39 करोड़ की डील फिक्स होने की बात हो रही है, जिसमें 18 करोड़ आ जाने और बाद में 21 करोड़ और देने की बात होती है। इसे ट्रेंडिंग फर्म और माइनिंग कारोबारी बताया गया है। मोहाली के एक लैंड डीलर के जरिए ये पैसा आएगा, ये बताया जा रहा है। वीडियो में बिचौलिया एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर देवेंद्र की पत्नी के नाम पहुंचने की जानकारी देता है। डिलीवरी कंपनी द्वारा वीके कृष्णा मेनन मार्ग का एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट की जानकारी मांगे जाने की बात होती है। जवाब में देवेंद्र को बोलते हुए दिखाया गया है कि पासपोर्ट की जानकारी भेज दी है, एड्रेस प्रूफ वीके कृष्णा मेनन मार्ग के बजाय उनके खुद के घर का है। देवेंद्र बोले, वीडियो एडिटेड, मुरैना में केस दर्ज। देवेंद्र ने कहा, वायरल वीडियो मेरी जानकारी में आया है। इसमें तथाकथित रूप से मेरे द्वारा करोड़ों का लेन देन बताकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है। इस वीडियो में एडिटिंग कर मेरे विरुद्ध साजिश रची जा रही है, नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी कोई भी धनराशि न मेरे किसी भी बैंक खाते में प्राप्त हुई है, न ही मेरे परिवार के किसी भी बैंक खाते और उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते में प्राप्त हुई है। ये झूठा और मनगढ़ंत वीडियो है। इसकी शिकायत SP मुरैना को कर दी गई है। देवेंद्र की शिकायत पर मुरैना के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। ठीक है, वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड है, हाँ कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको, वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है। ट्यूसडे आई थिंक होगी, आज कितनी हो गई जी, 10-11। आज तो बुधवार, आज क्या है, आज बुधवार है, आज नहीं फ्राइडे हो गया भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और 16+7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है, 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो, फाइनलाइज हो जाए तो बता देना, फिर हम उसको मूव कर देंगे। वो डन है, ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो, बस रेडी है वो, तो आप तो बताओ उसका। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूंगा कल फोन, जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत गिल मिलने। ठीक है, और जैसे ही आपका DHL का लीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम वस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि रिलीज हो गया। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव कर देंगे। ठीक है, और वो नहीं त्यागी जी वाला मूव कर रहे हैं, कौन सा वाला मूव कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18-1 दिया, 21-1 देना है। नहीं, अपने पास कुछ सामान अभी आया है या नहीं आया, सीटे का अभी में चल रहा है? नहीं नहीं, 18 तो आ गया है ना अकाउंट में, आ गया अपने पास? बिल्कुल, वो बोला मैं बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप यहाँ भी बोलोगे। ठीक है, ये है 18। ठीक है, इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है, जिसने 18 दिया, त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में, बस मैं रखता हूँ। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरु जी, ठीक है। हेलो देवेंद्र भैया, कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में ही हो या वापस में ही आए हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 का 18 सीआर टोटल जमा हो जाएगा चार अकाउंट्स में। ठीक है। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है, वो वाला जी। ठीक है। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस चार अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के, चार चार की, पांच पांच की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा उस बंदे ने बोला कि जी 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। ओके। तो वो बोले जी के हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहां भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया हुआ किसको जाता है। इनकी जो है ना जी, ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में, और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है सारा। ठीक है जी। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं, तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे है। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। ठीक है। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी दो दो मंथ बाद, एक एक मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके जो भी अकाउंट हमने आगे देना है, जिससे मोनेडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेडो से कर सके, अपने आपके पास प्रूफ हो जी हमने इन्वेस्ट किया है, नो वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, वो मैं कर लूंगा। आप तो जैसे अकाउंट में आया डिटेल भेज देना, अकाउंट में आ गया है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट, उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। वो ये कह रहे हैं, सुनो तो, वो ये कह रहे हैं कि हमको आईडी प्रूफ दीजिए कृष्णा मिरन मार्ग का। अब कृष्णा मिरन मार्ग का आईडी प्रूफ थोड़ी होगा, आईडी प्रूफ तो हमारे घर के होंगे, जो ओरिजिनल घर है हमारा। हाँ, फिर क्या बोले? तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या करवाऊँ कि वहाँ पे हो जाए? आपको वो कॉल करेंगे तो उनको बोलना कि उनके घर पर डिलीवर कर दीजिए, उसने अपना पासपोर्ट तो दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपके किसी बंदे का आधार कार्ड पे नहीं है वो आपके वो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।